चैप्टर के अंदर आपके पास एक होता है मिक्सचर, एक होता है एलिगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास पूरे मैथ में, और सबसे आसान चैप्टर, और सबसे सबसे आसान। देखो आ जाए समझ तो बहुत आसान, नहीं आया तो सबसे मुश्किल है, देख लेना एक बार। होता क्या है इस चैप्टर में, ध्यान से समझना। अरे क्यों तंग कर रखा है, किसने पंखा बंद किया है? देखो आपके पास जैसे आप चावल लेने गए मार्केट में, दुकानदार को आपने कहा कि 20 रुपए किलो वाले चावल हैं, उसने बोल दिया हाँ है। आपने बोला दुकानदार को 30 रुपए किलो वाले चावल हैं, आपने बोला हाँ है दुकानदार ने तो आपने उससे पूछा बता भाई मेरे पास ना तो 20 रुपए वाले ले सकता ना मैं 30 वाले ले सकता, क्योंकि उस बंदे के पास 130 रुपए दिए उसकी मम्मी ने, बंदे की मम्मी ने, तो 130 रुपए दिए और बोला अभी 5 किलो जाके चावल ले। अब 130 रुपए दिए और 5 किलो चावल मंगवा लिए और 5 किलो से कम लेके गया तो मार पड़ेगी। 130 को 5 से भाग के देखा तो दुकानदार को पता चल गया कि ये तो 26 रुपए किलो वाले चावल मांग रहा है, और जितने भी ये किराने वाले होते हैं बोलना तो नहीं चाहिए, समझ जाओ क्या होते हैं, तो 26 रुपए किलो बनाने हैं, वो बना के कैसे ना कैसे बेचेगा उसको, कस्टमर खाली तो जाने नहीं देगा। तो कहता है कि 20 रुपए किलो वाले भी हैं 30 वाले भी हैं, लेकिन उसको कितने रुपए वाले चाहिए, अब 26 वाले चाहिए। वो उसको दे के भेजेगा कैसे, देखो 26 लिख देगा बीच में, जो किराने वाले होते हैं ना पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ मत समझना इनको, बहुत तेज बाणी होते हैं। ये 26 में से 20 गया कितना आया, आपको करना क्या दोबारा देखो, जो बीच में आप संख्या लिखोगे वो कौन सी लिखोगे, यहां पर जो सबसे छोटी होगी यहां पर लिख दी, सबसे बड़ी यहां लिख दी, बीच में कौन सी लिखोगे जो इन दोनों की बीच में, मतलब इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे एलिगेशन के लिए, क्या करते एक लाइन लगाते हैं ऐसे, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते, 26 में से 20 गया 6 और 30 में से 26 गया, बड़ा क्या था 30, छोटी क्या थी 26, वैल्यू कितनी आई 4। अब ये जो आपके पास आ गया ये क्या आ जाता है, उनका अनुपात। अब इसको अगर मैं काटूं तो 2 पे काटूंगा, 2 दुनी 4, 2 3, मतलब मैंने यहां से क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ये बात समझ आई आपको, 2 कॉमन लिया, 2 दुनी 4, 2 3 6। अब जो नीचे वैल्यू आपके पास आ गई इसको तो हटा सकते हो कॉमन में। अब देखो आपके पास ये जो आपने अनुपात लिखा था ना 2:3, ये जो अनुपात आता है किसका आता है, उनकी मात्रा का आता है, हमेशा हमेशा यहां पे क्या आएगा, मात्रा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी या नंबर्स, समझते हो। ऊपर वैल्यू लिखोगे रुपए वाली, नीचे वैल्यू किसकी आएगी, मात्रा के, हमेशा। अब देखो अनुपात आ गया 2:3, इस 2:3 का अब हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करो। ये कहता है कि 20 रुपए किलो वाले चावल लोगे अगर 2 किलो, तो साथ में 30 रुपए वाले कितने किलो मिलाने पड़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब दो तरह की क्वांटिटी आपको मिक्स करनी है। अब देखो 20 रुपए किलो वाले आपने कितने किलो लिए, 2 किलो, तो आपको कितने रुपए खर्चा आ गया, आ गया। 30 रुपए किलो वाले कितने किलो, तो कितने आ गया, 90। अगर आपसे पूछे टोटल खर्चा कितना है, 100। आपसे पूछे टोटल सामान कितने किलो मिला, 5 किलो। कितने में पड़ गए चावल, 130 बटा 5, 26 रुपए होता है, वापिस वही आ गया। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता, लिखो स्टेटमेंट, अब लिखो, एक दुकानदार 20 रुपए किलो वाले चावल को, 20 रुपए किलो वाले चावल को 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ, एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण 26 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ जाए, ताकि मिश्रण 26 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आंसर अनुपात में पूछा है, तो आंसर कितना आ गया, 2:3 आंसर आ गया। ये आपको पेपर करके नहीं दिखाना, ये तो आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया कि ऐसे निकलता है, पेपर में ये नहीं करना आपको, बस आपका आंसर यहां तक आ चुका है, 2:3 तक।
समझ आया, ये आंसर आ गया आपका 2:3, एक्स मैंने वैसे लगाया है अगले क्वेश्चन में काम आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, ये तो हमने अभी सिखाया ही था, अब आप खुद कीजिए ट्राई। कर लिया गया नोट डाउन? करो करो, पहले नोट डाउन करो इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखो, 40 रुपए किलो वाले चावल को, 40 रुपए किलो वाले चावल को 60 रुपए किलो वाले चावल के साथ, 60 रुपए किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण ताकि मिश्रण 52 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ जाए। देखो 40, 60 और मिक्सचर कितना चाहिए आपको? 52। यहां तक समझ आ गया? सबसे पहले 40 लिखा, फिर 60 लिखा, और मिक्सचर की वैल्यू कहां लिखोगे? 52। क्वेश्चन कहता है कि 40 रुपए किलो वाले चावल को 60 रुपए किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाया जाए मतलब मिक्सचर, मिक्सचर कहां लिखोगे? बीच में। वैल्यू निकाली यहां पे, 52 में से 40 गया 12, 60 52, 60 में से 52 गया 8, 8 अनुपात 12, 4 दुनी 4 3 अनुपात आ गया 2:3, ये आंसर आ गया। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 30 रुपए किलो वाले चावल को, 30 रुपए किलो वाले चावल को 60 रुपए किलो वाले चावल के साथ मिलाया जाता है जिससे कि मिश्रण 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, जिससे कि मिश्रण 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो बताइए यदि कुल चावल 36 किलो चाहिए हो, तो बताइए यदि कुल चावल 36 किलो चाहिए हो, कुल चावल 36 किलो चाहिए हो तो तीस रुपए किलो वाले कितने किलो चावल चाहिए होंगे, 30 रुपए किलो वाले कितने किलो चावल चाहिए होंगे? देखो कितने पे किलो वाले चावल हैं? 30, और कितने वाले? 60, और मिक्सचर कितना है? 50। लगाओ एलिगेशन, 50 में से 30 गया, 60 में से 50 गया, अनुपात 1:1, ये तो पिछले क्वेश्चन तक आपने किया ही था, है ना? इससे पहले जो आपने रेशियो का चैप्टर किया है उसमें आपने क्या सीखा था कि एक जो आपके पास चावल है और एक दूसरे चावल है, इन दोनों का अनुपात अगर 1:2 है, और ये अनुपात होता किसका भी बताया था? मात्रा का। टोटल आपको कितना किलो सामान चाहिए, तो 1x आ गया, कितने x आ गया? 2x। हमें बोला कि टोटल जो हमारे पास मात्रा है वो कितने किलो है? 36 किलो,
और तुम्हारे पास टोटल मात्रा देखें, एक किलो ये वाले हैं तो ये दो किलो लेने पड़ते हैं, ये दो किलो उठाओगे तो ये चार किलो मिलाने पड़ते हैं, तो टोटल देखें तो कितने किलो हैं, 3x, तुम्हारे पास टोटल कितने, 36, x की वैल्यू कितनी, 12, और यही x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये 12 किलो आ जाएंगे, और ये वाले कितने किलो आ जाएंगे, 2 × 12 = 24 किलो, तो ये आपके पास थे 60 रुपए वाले, ये थे 30 रुपए वाले। तो आपसे पूछे 30 रुपए किलो वाले कितने किलो चावल मिलाने पड़ेंगे, 12, तो दूसरे कितने मिलाने पड़ेंगे, 24। अनुपात 1:2 का मतलब होता है कि अगर ये 10 किलो उठाओगे तो इसे डबल मिलेंगे 20, ये 12 उठाओगे तो इसे डबल 24। समझ रहे हैं, अनुपात पता होना चाहिए, अनुपात का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि दो बिंदी लगाई और आंसर आ गया, ऐसे नहीं है, वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसको अनुपात बोलते क्यों है, अनुपात का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। आया समझ में, एक क्वेश्चन और करो फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। पच्चीस रुपए किलो वाली चीनी को 35 रुपए किलो वाली चीनी के साथ मिलाया जाता है, 25 रुपए किलो वाली चीनी को 35 रुपए किलो वाली चीनी के साथ मिलाया जाता है, जिससे कि मिश्रण 31 रुपए हो जाता है, जिससे कि मिश्रण 31 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो बताइए, यदि 120 किलो चीनी हो, यदि 120 किलो चीनी हो तो 35 रुपए किलो वाली कितने किलो चीनी चाहिए होगी, 120 किलो कुल चीनी हो तो 35 रुपए किलो वाली कितनी चीनी चाहिए होगी, देखो एक आपने लिखा चीनी 1 और एक चीनी 2, एक कितने रुपए किलो वाली है, 25 वाली, एक है कितने रुपए वाली, 35 वाले, और मिक्सचर आपको कितने रुपए किलो वाला बोला, 31, लगाओ एलिगेशन, 31 में से 25 गए 6, 35 में से 31 गए 4, अनुपात 2:3, तो आपने लिखा यहां पे 2x और यहां लिखा 3x, टोटल कितने x और टोटल कितने किलो, 120, x की वैल्यू 24, वेरी गुड, सही आया लाइव क्लास में जिसका भी आंसर आया, ये 2x और 3x थी। अगर आपसे पूछा कितने वाली, 25 वाली, तो यहां पुट कर देंगे, आपसे पूछा 35 रुपए वाली तो यहां पुट कर देंगे, यहां 3 × 24 करोगे, x की वैल्यू कितनी थी, 24, 3 × 24 करोगे आंसर 72 किलो, करो नोट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछता है, सिंपल क्वेश्चन है, हरियाणा वाला वैसे यहीं तक पूछता है, ज्यादा इससे ज्यादा लिमिटेड में पूछता है, एसएससी में थोड़ा इससे अच्छे लेवल का भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप करते हैं, स्टार्ट लिखो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, लिखो किसी कंपनी में किसी कंपनी में पंद्रह हैं तकनीकी वर्कर का, 15 तकनीकी वर्कर का मासिक वेतन 600 रुपए है, 600 नहीं आप 1200 लिखो, 1200 रुपए है, 15 तकनीकी वर्कर का मासिक वेतन 1200 रुपए है, जबकि गैर तकनीकी वर्कर का मासिक वेतन 600 रुपए है, तकनीकी का कम कर दिया था, गैर तकनीकी का ज्यादा कर दिया था, तभी चेंज किया, गैर तकनीकी वर्कर का मासिक वेतन 600 रुपए कर दिया, यदि इस कंपनी के
सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन ₹1000 रहा हो, ₹1000 रहा हो तो गैर तकनीकी वर्कर की संख्या कितनी होगी, गैर तकनीकी वर्कर की संख्या कितनी होगी। गैर तकनीकी वर्कर की संख्या कितनी होगी। सेम यही क्वेश्चन है जो भी हमने किया था, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो, एक आपको लोगा बोला कि तकनीकी लोग हैं, एक बोला गैर तकनीकी लोग हैं। तकनीकी जो लोग थे ना, वर्कर थे, उनका औसत वेतन कितना है, ₹1200 मंथली है, और इनकी गैर तकनीकी की जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो कितनी है, ₹600 है ना। और अगर औसत की बात करें तो कंपनी कितने रुपए देती है सबको मिला के, औसत कितनी पड़ती है कंपनी को, ₹1000। यहां पे 800 भी आ सकता है, 900 भी आ सकता है, कितना भी दे सकता है। अब देखो, लगाओ एलिगेशन कितना आया, 200, लगाओ एलिगेशन कितना आया, 400। आंसर क्या आया, 2:1 आ गया। अब आपको बोला जो तकनीकी है ना, बोलो कितने हैं, 15। 15 की बजाय ना आप यहां पे इसको 16 कर लो, वरना आधा लोग बच जाएगा। यहां पे 15 की बजाय 16 कर लो बच्चे, वैसे आंसर तो 15 से भी निकल जाएगा, 7.5 आएगा, लेकिन आधे आदमी गड़बड़ हो जाएगी। देखो 16 लिख लो वहां पे 15 की जगह। अब देखो, अगर इनकी संख्या 16 है तो इनकी कितनी आ जाएगी, 8। समझ आई, क्योंकि देखो ये जो लोग है ना, दुगने हैं किन से, इनसे। 2:1 का मतलब क्या होता है, अगर ये लोग 1 हैं तो ये कितने हैं, 2। अगर ये 5 हैं तो ये 10, ये 8 हैं तो ये 16। 8 पे जाके कहानी अड़ गई, तो यहां पे 8 लिखोगे तब जाके क्या आएगा, दुगना 16। तो ये अगर ये 16 है, ये 2 है, 2 का आधा 1, तो ये 16 है, तो 16 का आधा कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब गैर तकनीकी लोगों की संख्या कितनी थी, 8। गलत, 15 से भी नहीं है, 7.5 मतलब एक बड़ा आदमी आ गया, 7 एक आधा आ गया, बच्चा बुला लिया, कुछ भी आ सकता। आंसर 7.5 भी गलत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा जस्ता नहीं है बंदा आधा करना। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, किसी कंपनी में कर्मचारी को 30 दिन के लिए काम पर रखा जाता है, किसी कंपनी में एक कर्मचारी को 30 दिनों के लिए काम पर रखा जाता है, और उसे ₹10 प्रतिदिन मजदूरी के प्राप्त होते हैं, और उसे ₹10 प्रतिदिन मजदूरी के प्राप्त होते हैं, लेकिन जिस दिन वह कर्मचारी छुट्टी करता है तो ₹2 प्रतिदिन काट लिए जाते हैं, यदि महीने के अंत में उसे ₹216 मजदूरी के प्राप्त हुए हों, यदि महीने के अंत में उसे ₹216 मजदूरी के प्राप्त हुए हों, तो बताइए कितने दिन काम किया और कितने दिन छुट्टी करी, कितने दिन काम किया और कितने दिन छुट्टी करी।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका चाहे आंसर ही याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन सेम आता है ना, तो कभी भी 30 की जगह 31 दिन होते ना 32 होते, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में। अब देखो ये जो टाइप है आपके पास, ये कैसे कवर करते हैं ध्यान से देखना। आपको बोला एक कंपनी में किसी कर्मचारी को 30 दिन के लिए काम पर रखा जाता है, कितने दिन? तो 30 दिन के अंदर ना उसने दिनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाँ जी 23। तो आपके पास देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कैसे, कि या तो काम करवाएगा या फिर क्या कर देगा, छुट्टी कर देगा। दो चीज है, जिस क्वेश्चन में आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए उसमें हमेशा ऐसा तरीका लगेगा जो भी हम सीखने जा रहे हैं। आपसे पूछा भी कंपनी में उस बंदे ने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया और कितने दिन क्या की, छुट्टी करे। तो आपसे पूछा क्या है, दिन। तो जो चीज आपसे पूछता है ना यहाँ पे, जिसके पास क्वेश्चन मार्क होता है वो चीज आपको टोटल पक्का दी हुई मिलेगी। आपको कितने दिन दिए, इसको दो बार लिख लो, एक बार तो लिख लो एक दिन काम किया या फिर क्या की, छुट्टी करी। दो तरीके से आपको डिवाइड कर दिया 30 को, तो आपको हमेशा टोटल वैल्यू लिख लेनी है यहां पे, दोनों जगह कितनी 30 30, 50 50 दिया तो 50 50 लिख लिया। अब देखो अगर वो व्यक्ति काम करता है तो काम करने के एक दिन के कितने में मिलते हैं, 10 रुपए। अगर वो 30 के 30 दिन काम करेगा तो 10 के हिसाब से कितने में मिलने चाहिए थे उसको, 300। क्या उसको 300 रुपए मिले, नहीं मिले। अगर वो 30 के 30 दिन छुट्टी करता तो कितने रुपए जुर्माना लगता, माइनस का 60। यहाँ पे दो नहीं लिखोगे, जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको बोले जुर्माना लगता है या काट लिए जाते हैं तो माइनस लगाओगे। तो एक दिन की छुट्टी के 2 रुपए कटते हैं, तो 30 के 30 दिन छुट्टी करता तो इसका मतलब हमारे पास कितने आता, बैलेंस कितना शो करता अकाउंट में, माइनस का 60। क्या आपको 300 रुपए शो किए, नहीं। क्या आपको -60 शो किए, नहीं। इन दोनों के बीच में शो किया, तो बीच में जो वैल्यू लिखनी है वो लिखोगे, बीच में कितना लिखोगे, जितना बैलेंस शो किया 216। ये बात समझ आ गई। वो कहता है या तो 300 मिलने चाहिए थे अगर 30 के 30 दिन काम करता लेकिन काम नहीं किया, 30 के 30 दिन हो सकता है छुट्टी मारी हो तो -60 शो करता, ये भी नहीं हुआ। अब आपको पता चल गया कि बीच की वैल्यू मिली है, ना तो सारा दिन छुट्टी मारी है और ना ही सारे दिन काम किया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब लगाओ एलिगेशन, लगाया एलिगेशन तो कितनी वैल्यू आ गई, लगाओ एलिगेशन कितनी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आई गुड़िया, हां जी मंगल, ओ मंगल कितनी वैल्यू आएगी, घटाओ देखो 276 कैसे आया, दिन का आया 216 वैल्यू बड़ी थी, मैंने बोला बड़ी में से छोटी घटाते हैं, घटाते के नाम का क्या लगाओगे, और माइनस उसके पास पहले से ही है, तो 216 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 216 प्लस 60 200। ध्यान देना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, माइनस और माइनस क्या कर दोगे, वैल्यू आ गई 276 आ गया। अब ये जो आती है मात्रा आती है, इसका अनुपात लेते हो, लगो लियो इनका अनुपात, जब इसका अनुपात लोगे 4 से काटोगे फिर 3 से काटोगे, टोटल कितना कॉमन ले लो 12, 12 से कॉमन लिया कितना आ गया 23 और 12 से कॉमन लिया कितना आ गया 7। इसको टाइम लगाना हो पहले 4 कॉमन ले लेना फिर 3 ले लेना, ठीक है, फिर 12 बना लेना, तो यहाँ पे 23 और 7 आ जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा। अब देखो 23 और यहाँ पे 7, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है, 23 दिन छुट्टी काम किया और 7 दिन क्या करी, छुट्टी। काम के नीचे देखो कितना है 23 और छुट्टी के नीचे कितना है 7। समझ आया, करो इसको नोट डाउन, फिर एक तरीका और बताते हैं, करो इसे नोट डाउन करो। अभी बताता हूँ, अभी समझ आ जाएगा, ये मिटा दूँ।
एक बार अभी आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, जल्दी समझ आ जाएगा। आप ही जवाब देना और कोई मत देना। देखो, व्यक्ति को टोटल रूल के हिसाब से कितने मिलने चाहिए? 300 रुपए मिलने चाहिए, है ना? रूल तो यही कहता है 30 के 30 दिन काम करता 300 मिलने चाहिए थे। मिले कितने? 216। अगर आपसे पूछे टोटल लॉस कितना हुआ उसे, उस बेचारे को नुकसान हो गया कितने का? 84 रुपए का हो गया नुकसान कि नहीं हुआ? टोटल लॉस आपका कितना आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं उसका एक दिन का लॉस कितना होगा, बताइए सर। एक दिन का लॉस कितने रुपए? आप एक कंपनी में जाते हो, एक दिन काम करने जाते हो, दिहाड़ी पे जाते हैं, डेली के डेली पैसे मिलते हैं, तो कंपनी कहती है कि अगर आप एक दिन काम करने आओगे तो कितना मिलेंगे? 10 रुपए, यही बोला। और अगर आप छुट्टी करते हो तो कितने में कटेंगे? 2 रुपए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आज आपको कितने का नुकसान हो गया, आप छुट्टी करके घर बैठ गए बुखार की वजह से, बारिश की वजह से, तो कितने का नुकसान हुआ? सोचो ध्यान से, 2 का नहीं हुआ, 12 का हुआ। एक तो 10 आपको जो मिलने थे वो भी आपके गए, है ना, और एक 2 रुपए आपको जुर्माना भी लगाया, तो टोटल कितने का नुकसान हुआ? 12 का। तो एक दिन का नुकसान कितना आ गया? 12। आपसे पूछा टोटल कितने दिन नुकसान किया, टोटल कितने दिन छुट्टी करी, तो देखो 84 का नुकसान हुआ, एक दिन में 12 कटते हैं, इसका मतलब कितने दिन के काट लिए? तो इसका मतलब छुट्टी कितने दिन करी? अगर छुट्टी 7 दिन करी तो काम कितने दिन बच गए? 23 दिन। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ सकते हो, ये उससे भी आसान है। करो इसको नोट डाउन। आप ना भी पूछते ना तो भी मैं करवाता है, मेरे को तो पता है ना बच्चे के मन में क्या क्या इच्छाएं पैदा होती हैं। उधर लाइव क्लास वाले भी बैठे हैं, वो बेचारे पूछ ही नहीं पाते हैं, कई बार मन भी करता है तो भी आलस कर जाते हैं माइक ऑन करने का। तो मुझे पता है बच्चे को कहां का दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए मैं तैयार रखता हूं अपने पास एक तरीका और। ज्यादा बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ना ही हमारे पास इतना टाइम है, पेपर सिर पे हमारे अगले महीने, इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको इंप्रेस करूं अच्छे अच्छे तरीके बता के, शॉर्टकट बता के। फंस तो आप चुके हो, फीस दे चुके हो, भाग सकते नहीं, अब क्या फायदा इंप्रेस करने का। जिसकी रहती हो भाई ले आना चुपचाप। एक आधा तरीका और बताना मैं बता दूंगा, कल फीस ले आना भाई जितने की भी रहती है। लाइव क्लास वाले बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, सबकी फीस आ चुकी है, ये ऑफलाइन वाले ही थोड़ी गोली दे जाते हैं। आवाज ही बंद होगी, सुननी फीस के नाम में। अभी भी डाउट है क्या? समझ आ गया ना? तो 84 कटे तो 216 ही बचेंगे भाई साहब। एक दिन का, एक बात तो आपको एक दिन का मिलता 10 रुपए था, लेकिन आपने जो छुट्टी मारी, जुर्माना जो लगा, उसके हिसाब से कटते कटते आपको टोटल नुकसान जो होना था एक दिन का, वैसे 2 रुपए होता है, और जो मिलना था वो भी कटता है 10 और 2 कितने का नुकसान हो गया? 12 का। 7 दिन आपने छुट्टी मारी 84, तो मिले कितने आपको? 216। वो तो उसकी एवरेज पड़गी ना, उसको 216 को 23 से भाग कर दो, जितनी एवरेज पड़गी पड़गी, अपन ने क्या करना उसे। लिखो एक क्वेश्चन और, लिखो ऐसा, लिखो जैसे आप भाई आप एसएससी का रेलवे का पेपर दे के आते हो, उसमें क्या कंसेप्ट होता है वो देखो। जिस भी बच्चे ने रेलवे का पेपर दिया हो, जैसे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, देखो एक बार कैसे आता है। लिखो एक विद्यार्थी ने 200 प्रश्नों की एक परीक्षा दी, एक विद्यार्थी ने 200 प्रश्नों की एक परीक्षा दी, नीचे ऑफिस 200 प्रश्नों की एक परीक्षा दी, जिसमें उसे सही उत्तर देने के लिए
प्रत्येक प्रश्न के दो अंक दिए जाते हैं, अगर वो सही जवाब देता है ना तो उसे दो अंक मिलते हैं प्रत्येक प्रश्न के, यदि वह गलत उत्तर देता है तो प्रत्येक प्रश्न का आधा अंक काट लिया जाता है, और यदि वह गलत उत्तर देता है तो प्रत्येक प्रश्न का आधा उत्तर काट लिया जाता है। हो गया, चलो आधा अंक, ठीक है। यदि उस विद्यार्थी को परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुए हों, यदि उस विद्यार्थी को परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुए हों तो बताइए कितने प्रश्न सही थे और कितने प्रश्न गलत थे। दोनों तरीकों से कर सकते हैं आप, दोनों आपकी मर्जी है। मैंने आपका शॉर्टकट भी बता दिया, लॉन्ग भी बता दिया। देखो टोटल प्रश्न कितने थे, 200 थे, तो उसको यहां लिख दोगे। पहले मैंने आपको बताया था जैसे दिन लिखे थे ना आपने 30, वैसे ही इस बार प्रश्न पूछे हैं तो पहले प्रश्न लिख दो, और प्रश्नों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सही और गलत में। अगर प्रत्येक प्रश्न सही करता, एक क्वेश्चन के दो मिलते हैं तो टोटल स्कोर कितना शो करता, उसका स्कोर बोर्ड कितना आता, स्कोर कार्ड 400 शो करता, बिल्कुल सही है। और अगर आप गलत करते हो तो एक क्वेश्चन का आधा करता है, कि 200 के 200 गलत करता तो बैलेंस कितना शो करता उसके स्कोर कार्ड पे, माइनस का 100। कई बच्चों के आते हैं माइनस में, तुम्हारे भी आएंगे अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो, सही में रेलवे में आते हैं बच्चों के, एसएससी में आते हैं बच्चों के, कईयों का देखा है स्कोर कार्ड माइनस में, तो माइनस 100 शो करता, और यहां पे सही करोगे तो कितना शो करेगा 400। ना तो आपको 400 मिले ना माइनस में मिले, आपको मिले कितने 300, वो मिले हैं जो वो कहां लिखोगे सेंटर में, लगाओ एलिगेशन 100, लगाओ एलिगेशन 400। अब बच्चा यहां पे 200 लिख देता 300 में से 100 घटा के, जबकि ऐसा नहीं है। अब यहां पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 400 दो जीरो से दो जीरो अनुपात आ गया 4:1। तो अगर आपके पास सही और गलत का अनुपात 4:1 है, यहां लिखा 4x यहां लिखा 1x, टोटल अगर मैं करूं तो मेरे पास कितने क्वेश्चन है 200, इसके हिसाब से टोटल करूं तो कितने हैं 5x, 5x बराबर में 200, x बराबर में 40, यहां पुट करो 160, यहां पुट करो कितना आया 40। हो गया, लाइव क्लास में पूछ लो, कोई दिक्कत आ रही है तो विमलेश पूछ ले इनसे भाई, कोई दिक्कत आ रही हो, नहीं समझ आ रहा हो, दोबारा से शुरू करना हो। माइक किसी और के पास है तो वो बता दो, जवाब दे दो। अरे भाई सभी बच्चे बराबर हैं, किसी को लगता हो मेरे को दिक्कत आ रही है नहीं समझ आ रहा तो जवाब दे दो, रिपीट करना है तो, अगर आ रहा है तो आगे चलते हैं। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। देखो चैप्टर वैसे तो आसान है, इतना मुश्किल लगा क्या किसी को, मुश्किल नहीं है, अगर एक बार समझ आ गया ना फिर तो आसान है, और एक बार नहीं आया पहले झटके में फिर ये मुश्किल ही लगता है। अब दूसरे तरीके से इसको देखें, टोटल आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे 400, मिले कितने 300, आपसे पूछे टोटल लॉस कितने का हुआ, टोटल नुकसान कितने का हुआ 100 का, ये बात समझ आ गई। और एक क्वेश्चन का लॉस कितने का है, एक क्वेश्चन का लॉस, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कितने का लॉस होता है 2.5। दो तो आपको सही करते तो वो मिलते, एक तो वो नुकसान हो गया 2 का, प्लस में आपको दंड भी लगा कितने का आधे का, तो 2 और आधा 2.5, तो आपको एक क्वेश्चन का जो लॉस हो गया वो कितने का पड़ता है 2.5 का, समझ रहे हो ना, कि अगर सही कराते तो 2 मिलते, गलत हुआ एक तो सही वाले गए 2, प्लस में आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्किंग और मिली आधे की, तो कितने का लॉस हुआ 2.5 का। तो आपसे पूछा गलत क्वेश्चन कितने हैं,
गलत क्वेश्चन, तो क्या करोगे, 100 को 250 से भाग दे दोगे, 100 को 250 से भाग दोगे कितना आएगा 40। अगर सही पूछेगा तो 200 में से 40 गलत है, तो सही कितने बच गए, 200 में से 40 घटाया 160। समझ रहे हैं? जिसको ये भाग करना नहीं आता वो देखो बैठे हैं कहीं, पूछते नहीं। ये ढाई है, पॉइंट के नाम का नीचे क्या लगाओगे, ये 10 अब नीचे नहीं, कहां चला जाएगा ऊपर, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 ढाई 40। तो गलत अगर 40 है 200 में से, तो सही कितने बच गए 160। आ रहा समझ में कि नहीं? मिटा दिया जाए। हाँ जी, तो इनको लड़कियों को माइक दे दिया करो भाई, लड़कियां पूछ लेंगे। देखो बच्चा एक ही सिचुएशन में नहीं पूछता, कब नहीं पूछता समझते हो, या तो उसको जमा साफ समझ आ रहा होता या जमा ही साफ हो रहा होता।